वाह नाजी, तूने तो कमाल कर दिया। तुझे तो मैंने हमेशा अपनी बुद्धू वाली बेटी समझा, लेकिन तू तो मुझसे भी 10 हाथ आगे निकल गई है। ये सब कुछ सीखा किससे है? आप ही से तो सीखा है। बस इसी तरह से करती रहे ताकि बुढ़ा इतना पागल हो जाए कि घर से निकल जाए। और वो शेजीन, उसको तो अपनी पाँव की जूती बना दे ताकि उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, ताकि जब मैं उसको अपनी बहू बनाकर अपने घर लेकर आऊं, अपने औकात अच्छी तरह से जाने वो। आप बिल्कुल परेशान मत, ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाएगी। नाजी, वो फाइल का क्या हुआ, तेरे हाथ लगी? वो तो नहीं निकाल पाई अम्मी। वो क्या है ना कि ताया वो चाबी हमेशा अपनी जेब में रखते हैं, जब सोने लगते हैं तो वो निकाल के टेबल पर रख देते, लेकिन उस वक्त रूम का दरवाजा बंद होता है। तो मैंने क्या किया, सुबह की चाय देते वक्त उसके अंदर दवाई मिला दी थी ताकि तायबू सो जाए और वो चाबी निकाल दे, लेकिन वो सोए नहीं। क्यों, कितनी गोलियां डाली थी तूने? एक आधी। नाजी, एक आधी? मिर्जा हट्टा कट्टा है, उसके ऊपर क्या असर होना है, हर वक्त वो खाता रहता है। मेरी मान तो कम अज कम 3 से 4 गोलियां डाल दे उसकी चाय में। भाई वो जब खनूदगी में रहेगा तभी तेरा काम आसान हो जाएगा ना। और हाँ, सिर्फ एक दिन ना करना, मुसलसल रोजाना सुबह और शाम दोनों वक्त डाल चाय में, ताकि दिमागी तौर पे मफलूज हो और सोचने समझने के काबिल ही ना हो मिर्जा। यूरी, ये कब आई? सुबह से आई हुई है शोहर से लड़कर। लड़कर नहीं आई हूं मैं, मुझे मारा पीटा है, गालियां भी दी, इसलिए मैं वापस आ गई। देख नाजी, बेचारे तारिक का फोन आया था मुझे, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी मुझसे, इंतहाई शर्मिंदा। मुझे कहा कि मैं अपनी नूरी को मनाने के लिए शाम को आऊंगा, उसके पांव में गिर जाऊंगा, माफी मांगूंगा, लेकिन मैं लेकर जाऊंगा उसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी उसके साथ, नहीं रह सकती मैं उसके साथ, गंदी गंदी गालियां बकता है वो। पागल हो गई हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? इतना अच्छा शौहर है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ तो है, फिर क्यों नहीं जानी तुम? मेरी जगह तुम उसके साथ जिंदगी गुजार के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझ पे क्या गुजर रही है। क्या हो गया तुझे, जैसी भी जिंदगी गुजारी है तेरी, वहां शादी हुई है, वो तेरा घर है, ये नहीं। अल्लाह अल्लाह करके मुश्किल से तेरी शादी करवाई थी, फिर वापस आ गई माँ के सर पे सवार होने के लिए। मैंने कह दिया है ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब जाएंगे तो तेरे अच्छे भी। देख, यकीन है ना मुझ पे, वो आएगा, मैं उसको धमका दूंगी, उसको सीधा कर दूंगी, वो ऐसा फिर नहीं करेगा, लेकिन जाना तूने है उसके साथ, समझ आई तुझे? हाँ हाँ अम्मी, जबरदस्ती भेजे इसे वहां। हाँ जरूर, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, मेरी खुशियों को उजाड़ के तुम तो ऐश की जिंदगी गुजार रही हो ना, अल्लाह करे तुम्हारी भी जिंदगी उजड़ जाए जैसे मेरी उजड़ी है। देख रही हैं आप इसे,